एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने अपने ही आंदोलन को खत्म कर दिया। ओडिशा के एक छोटे से गांव के रहने वाले वीवी गिरी साल 1923 में आयरलैंड से वकालत कर वापस लौटे। वह अक्सर खुद को भारतीय के साथ ही आयरिश भी कहते थे। गिरी आयरलैंड के मजदूर आंदोलन से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इस आंदोलन से एक बात सीखी थी कि अगर भारत का आजादी चाहिए तो मजदूर आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। इसी बात से प्रभावित होकर उन्होंने भारत की पहली रेलवे यूनियन बनाई। यूनियन बनाने के बाद गिरी कांग्रेस से जुड़े। 1969 में वीवी गिरी देश के उपराष्ट्रपति थे। अचानक जाकिर हुसैन की हुई मौत से अब उनके कंधों पर राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी आ गई थी। एक तरफ जहां राष्ट्रपति भवन में शो का माहौल था और जाकिर हुसैन की मैयत की तैयारी चल रही थी, वहीं दूसरी ओर घर के एक हिस्से में गिरी के परिवार वाले अपने पसंद का कमरा खोजने में लगे हुए थे। मैयत हुई और फिर नए राष्ट्रपति के चयन की तैयारी शुरू हो गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के सहयोग से वीवी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दायर किया। ये राष्ट्रपति चुनाव कम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से इंदिरा की खुली जंग ज्यादा थी। इंदिरा ने बैकडोर से गिरी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत कम अंतर से गिरी को विजय मिली, लेकिन गिरी ने शायद ही सोचा होगा कि इस पद पर रहते हुए उन्हें आने वाले दिनों में अपने उसूलों की हत्या करनी होगी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरी एक के बाद एक इंदिरा के फैसलों पर मुहर लगाते चले गए। फिर वो समय आया जिसने गिरी को असमंजस में डाल दिया। 1923 में गिरी ने रेलवे यूनियन की स्थापना की थी। साल 1974 में देश की सबसे बड़ी रेल स्ट्राइक हुई। इस आंदोलन की कमान जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने इस आंदोलन को क्रूरता से खत्म कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई। आंदोलन दबाने के फैसले पर मुहर वीवी गिरी ने लगाई थी। गिरी के दिल और दिमाग में उस दौरान क्या चल रहा था, ये समझना बेहद मुश्किल है। रेलवे यूनियन की स्थापना कर गिरी ने ही इस आंदोलन की नींव रखी थी और अब वे इसे खत्म कर रहे थे। गिरी को शायद उम्मीद थी कि ऐसा करने के बाद इंदिरा गांधी उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहने का दूसरा मौका देंगी, लेकिन यह गिरी की गलत फहमी थी। हालांकि इंदिरा ने उनकी वफादारी के इनाम के तौर पर साल 1975 में गिरी को भारत रत्न से नवाजा। साल 1980 में उनका निधन हो गया। वीवी गिरी को आज भी दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहला कि गिरी ऐसे राष्ट्रपति कहलाए जिसे प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चुना था, और दूसरा गिरी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ही आंदोलन को खत्म करने का काम किया।